रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर आयोजित टैगोर काव्य महोत्सव हुआ, जिसमें खपरी जी के युवाओं ने तीसरी बार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मंगलवार रात यह आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग के विशेष सहयोग से कार्यक्रम विधानसभा बिलाईगढ़ के विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करुणा शंकर केतव्य ने की। पंचों के संरक्षण में संपन्न इस कार्यक्रम में कवियों ने खूब धूम मचाई। पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बना चुके युवा कवि हीरामणि वैष्णव के संयोजन और पूर्व सरपंच और हरिभूमि संवाददाता अर्जुन केवत्य, फास्ट इंडिया 24 न्यूज के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अरुण वैष्णव और सहायक शाखा डाकपाल गिरवर कैतव्य के प्रबंधन में आयोजित इस कवि सम्मेलन में दिल्ली से वाह वाह क्या बात है लपेटे में नेताजी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जैसे बड़े टीवी शो के जरिए घर घर तक पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि प्रताप फौजदार को मंची हास्य साहित्य में विशेष योगदान के लिए तुलसी काव्य श्री सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। श्री साईनाथ फाउंडेशन के संस्थापक और देश भर में प्रसिद्ध सांस्कृतिक फेस्टिवल जश्न जमा के डायरेक्टर आशीष राज सिंघानिया को उनके अनवरत साहित्य सेवा के लिए तुलसी साहित्य सेवा सम्मान 2022 में से सम्मानित किया गया। हास्य व्यंग के बड़े नामों में शुमार अजय अट्टापट्टू रायपुर के संचालन में भटगांव के युवा हास्य कविदाता दीवानी की सदी हुई शुरुआत के बाद प्रयागराज से आए हास्य धमाके के नाम से प्रसिद्ध अखिलेश द्विवेदी ने श्रोताओं को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। दुर्ग से ओज के युवा कवि मयंक शर्मा ने अपनी देशभक्ति की कविताओं से जमकर तालियां बटोरी, जबकि वडोदरा गुजरात से आई श्रृंगार रस की मनहर कवित्री श्वेता सिंह ने अपने प्रेम गीतों और गजलों से युवाओं सहित बुजुर्गों के दिलों में प्रेम की भावना को जीवंत कर दिया। इसके बाद तुलसी काव्य श्री सम्मान से सम्मानित सरदार प्रताप फौजदार ने अपने चिरपरिचित अंदाज में हंसी और ठहाकों की बरसात की। 2:30 बजे रात तक चले इस कवि सम्मेलन में शिखर कलश रखने का काम कोरबा में मनहर गीतकार कृष्ण कुमार चंद्रा ने किया और अपने प्रतिनिधि गीत के माध्यम में कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया।